जले भुने लग रहे हो। जला भुना हो इसीलिए कह रहा हूं। उस जैसी लड़की से शादी करके कोई खुशी नहीं सकती। सुल्तान, इतना सख्त कमेंट, ऐसा क्या कर दिया बेचारे ने? उसने कभी कुछ अच्छा किया हो तो याद भी हो। जीव शकी औरत है यार। मुझे उसके दिमाग की समझ नहीं आती। अगर हवा भी मुझसे टकरा के गुजरे ना तो उस पर भी वो लड़ना शुरू हो जाती है। आजकल तो आजकल सुल्तान, ये आजकल की क्या कहानी है? कहानी नहीं, एक भयानक वाकया है। रिसेंटली एक मियां बीवी थे बेचारे, हमारे घर किराए पर रहने के लिए जो बीवी थी वो फॉर द ऑब्वियस रीजंस यार इंस्पायर्ड हो गई मेरी पर्सनैलिटी से। लेकिन मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था और ये बात मैंने बार बार अपनी बीबी को बताई, लेकिन नहीं, उसकी अकल में ये बात कहां आनी थी। इतनी छोटी सी बात पे लड़ने चले गए उनके घर, उनका इतना दिमाग खाया कि वो दोनों मियां बीबी घर छोड़कर चले गए। सुल्तान, क्या वाकई आपका किसी लड़की के साथ ऐसा वैसा सिलसिला था? Of course not, यार। मेरे पास इतना फजूल वक्त ही नहीं है कि इन सब चीजों में बर्बाद करूं। और वैसे भी अगर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, यू नो, गुड लुक्स, प्रोफाइल, लड़कियां मुझसे इंस्पायर हो जाती हैं, बस में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। ये तो लड़कियों का इशू है, अब ये बात मेरी बीवी को जाके कौन समझाए? दिमाग खराब करती है यार। हर वक्त मुझे कॉल्स, मैसेजेस, कहां हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, यार दिमाग खराब करके रखती है। मैं मीटिंग में बैठा हुआ होता हूं, मैसेजेस, तुम सोच सकते हो मेरे लिए ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती होगी। अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। हाय अल्लाह, डोंट टेल मी इतनी खतरनाक है आपकी बीवी। अच्छा सुल्तान, मुझे ना कॉल आ रही है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय, लव यू। ओके। इतना कमीना इंसान है यार ये। मुझे तो ये खुद नफ्से आती मरीज लगता है। वो जितनी भी इनसिक्योर हो ये भी कुछ कम नहीं। उसको मजीद इनसिक्योर कर रहे हैं ताकि वो इस पर रिलाई करती रहे। ठीक कह रहे हैं आप। सुल्तान जी ने भी आदत है, वो अपने आप को राजा समझता है। होगी उसकी आदत, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। हम अपने सुल्क का जवाब देना ही होगा।